हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दुर्गा पूजा का लास्ट दिन, मतलब है आज है दशमी। तो हम निकल रहे हैं बाइक से। दशमी जैसे स्टार्ट हो जाता है 3-4 बजे से, तो आज जल्दी ही निकल गए थे। और ये हूँ मैं, देख सकते हो मैं आज पहनी हूँ एक लेपर्ड प्रिंट का फ्रॉक और कंबाइन क्या है उसको एक हैवी एयरिंग्स के साथ। ये है हार्डिक। और कुछ टाइम बाइक से चलने के बाद हम मेन जहाँ पे माता के दर्शन होते हैं, जिस रास्ते से माता विसर्जन के लिए जाएगी, उस रास्ते में हम आ गए हैं। दशमी के दिन उतना कुछ रहता नहीं है, सिर्फ हम भारी मन से माता को विदा करते हुए ही मतलब देखते हैं सभी लोगों को। तो ये मैं जा रहे हैं एक जगह में रुकने के लिए, जहाँ पे माँ को हम विदा करेंगे वहाँ से देख के। तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं दशमी में भी। आप लोगों ने अष्टमी नवमी देखा, दशमी में भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। ये देखिए माता जा रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे एक ट्रैफिक पॉइंट था, तो जहाँ पे हार्दिक को हमने ऊपर बैठा दिया है ताकि वो आराम से माँ के दर्शन कर पाए, देख पाए लोगों को, नहीं तो नीचे हम भी उतना अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। हार्दिक अच्छे से देख पा रहा है, इसको ऊपर बैठा दिया है ना। तो थोड़ा टाइम देखने के बाद मैं साइड में ही रुक गई थी, और हार्दिक के साथ 2-3 बच्चे भी आ गए हैं ऊपर से माता के दर्शन करने के लिए। सारे बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं। तो आज मन बहुत ही भारी है, पता है कि आज के बाद से और 1 साल तक माता का इंतज़ार करना पड़ेगा, माता के दर्शन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। दुर्गा पूजा में जितने हम मज़े करते हैं, जितना मतलब मन को अच्छा लगता है माँ की पूजा करते, उतना किसी भी फेस्टिवल में मुझे लगता नहीं है हम करते हैं। हमको दुर्गा पूजा में फुल एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हर एक प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही है, और साइड में लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ है। माँ को जैसे लोग हर्षोल्लास से लाते हैं ना, जैसे ही हर्षोल्लास से माँ का विसर्जन भी होता है, बट फर्क एक होता है कि दुखी होते हैं लोग उस टाइम पे। और हार्दिक को बैलून चाहिए था। हार्दिक ने ना पूजा में इस बार कुछ नहीं खरीदा, उतना जिद भी नहीं किया जिद्दी बच्चों की तरह। सिर्फ अभी ने ऐसे एक 100 क्वांटिटी में 100 रहते हैं बैलून चार, ऐसा एक पैकेट अभी ला के दिया, और साथ में एक पंप भी मिलता है जिससे बैलून फुला पाए, वो अभी ने हार्दिक को लेके दिया। हार्दिक बहुत ही खुश हो गया, उसका डिमांड यही था कि उसको ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं डिमांड किया। मेरा बच्चा तो बहुत ही अच्छा बन गया इस बार, माता की कृपा से ऐसे भोला भाला बनता रहे। और ये लास्ट बार के लिए माता का दर्शन कर लीजिए, मतलब भारी हो जाता है मन बिल्कुल भी। ऐसे माता अगर आती है ना, तो कितनी हम खुश हो जाते हैं कि माता 3-4 दिन हमारे बीच रहेगी। अब माता जा रही है विसर्जन के लिए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सबका मन भारी 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 हो जाता है। आज के बाद कोई वो नहीं रहेगा, मन को इतनी मतलब जैसे खुशी नहीं रहेगी। रात हो गई है, हम आए थे 3-4 बजे निकल आए थे घर से, अभी रात हो गई है। तो बहुत अभी देख ली हूँ, तो सोचा कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं, साइड में ही खाने पीने का बहुत सारा कुछ है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाउमीन खा लिया था, पाव भाजी खा लिया था, अभी यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ ठेले वाला पिज्ज़ा। तो ठेले वाला पिज्ज़ा नहीं, मेरे तरफ से तो थम्स डाउन है, बिल्कुल भी थम्स अप नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डोमिनोज से बेस्ट है मेरे लिए, डोमिनोज में बेस्ट पिज़्ज़ा मिलता है। तो खाना पीना खाई थोड़ा बहुत, और हम जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ, जहाँ बाइक है वहाँ पे जा नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना, जा नहीं पा रहे थे। और ये हूँ मैं, थोड़ा सा देख लीजिए लाइटिंग में चेहरा कैसा दिख रहा है, देख लीजिए। हम अपने बाइक की तरफ गए ना, तो वहाँ जाके हम तो एकदम से बुरे फंस गए हैं, मतलब दशमी के दिन बुरे फंस गए। आधे घंटे के करीब हमको रुकना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि हबी को बाइक निकालने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हबी ने एकदम से पहले बाइक रखा था, फिर ना
बाकी बाइक आते आते हमारे बाइक का निकलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। जैसे तैसे करके हबी ने बाइक निकाली, उसके बाद भी हम मतलब बुरे ही फंस गए ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा फंस गए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हेलो गाइस, सामने से अभी मिल रही हूँ आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो दुर्गा पूजा का जितना भी क्लिप था, जितना भी शूट किया था मैंने, उससे 3 वीडियो हो गया। आज दुर्गा पूजा का लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए भेजा है। माता चली गई तो बहुत ही बुरा लग रहा है, सिर्फ यादें रह गई है, वीडियोस रह गए हैं जो मैं अपनी यूट्यूब चैनल में डाल दे रही हूँ। होप कि माता रानी, होप नहीं, ज़रूर से आएंगी अगले इस साल की तरह ही। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मेमोरेबल यादें लेके आएंगी माता रानी। इस बार का पूजा अच्छा गया, घूमी खाई, माता की पूजा की, माता के दर्शन की, जगह जगह पंडालों में गए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। होप माता रानी हम सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद देके जाए, हम सभी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लाइफ एंजॉय करे। माता रानी को बहुत ही मिस करेंगे, बट अगले साल आएंगे वो इसी होप के साथ साल बिता देंगे। और ये वीडियो मैं इतना तक ही रखूँगी, उसके बाद डेली ब्लॉग आ जाएगा आप लोग के पास। चलिए गाइज, आज के लिए चलते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।